शेष क्षितिज देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद और जय राम जी की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब से कोर्ट का ज्ञानवापी पर फैसला आया है तब से शांति दूतों में हड़कंप मच गया है, तब से सो कॉल्ड सेकुलर्स में हड़कंप मच गया है। और ये हड़कंप इसलिए भी ज्यादा मचा हुआ है क्योंकि कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि ज्ञानवापी पर भी ताला डलवाने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया था। वही मुलायम सिंह यादव जिसने राम मंदिर में राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम किया था। और जब ये पोल पट्टी डिबेट में आज खुली तो अनुराग भदौरिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अनुराग भदौरिया से भी ज्यादा बुरी हालत थी बारिश पठान की। मतलब अनुराग भदौरिया का जो हाल था वो था बारिश पठान की हालत देखने लायक थी। बारिश जी, अब ड्रामा मोड में आ गया, बारिश जी का ऑडियो कम कीजिए। बारिश जी, ये सब विक्टिम कार्ड मत कीजिए, सब ड्रामा वाला मोड में ले लीजिए, सब ले लीजिए, ये भी दे दूंगा, वैसे ड्रामा मोड क्यों करते हैं बारिश जी। बारिश पठान ने तो ऐसे रोना धोना शुरू कर दिया, ऐसे विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि उसे देखकर आपकी हंसी ही छूट जाए। क्या वो आज के डिबेट में, चलिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप व्यास परिवार की आज तस्वीर दिखा रही हो, इस पूरे तहखाने को दिखा रही हैं, अंजना जी बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी रिटर्न ऑर्डर नहीं था वहां पूजा पाठ रोकने का, कोई भी रिटर्न ऑर्डर नहीं था वहां पे बैरिकेडिंग लगाने का। और ऐसा नहीं है अंजना जी कि हमने कोर्ट में बोला और कोर्ट ने हमारी बात मान ली। 11 अगस्त 1843 का आदेश है जो ये साबित करता है कि व्यास परिवार इस तहखाने में काबिज था। उसके बाद 12 मई 1852 का आदेश है जो ये साबित करता है कि वहां पे कब्जे में थे। 8 फरवरी 1886 का ऑर्डर है, 2 मई 1906 का ऑर्डर है, 10 जून 1925 का ऑर्डर है, 13 अक्टूबर 1935 का ऑर्डर है। उसके बाद जो एक कमीशन हुआ था 27 जुलाई 1996, इन सारे आदेशों में ये स्पष्ट होता है कि व्यास परिवार उस तहखाने में काबिज था गलत ढंग से, वहां पे उनके उनको बाहर किया गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप में जाता हूं इस डिबेट में आगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात होगी। किसने किया ये मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट में हुआ था। दिखाइए अनुराग, मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट के टाइम में, मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ अंजना जी। हाँ। अभी मैं जानता हूँ आगे समय इस डिबेट में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात आएगी। हाँ। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 क्या कहता है, जो जिस जगह की स्थिति है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया जुलाई 1991 में, तो जो जिस जगह की स्थिति है वो वैसी रहेगी, तो उस स्थिति को वायलेट किसने किया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन करते हुए पूजा पाठ रोकी गई, और इसीलिए कल माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो लीगल है और उसकी कंप्लायंस की गई। जवाब दीजिए अनुराग जी, सीधा आरोप लगा रहे हैं व्यास परिवार को जो वहां पर पूजा करता था उसे रोका, यूपी संभलता नहीं था चेहरा तो देखो। सुन तो लीजिए, कहते हैं ना अंजना जी, विज्ञा बाजार में दोपहर तक एक एक झूठ, शाम तक हम सच लिए बैठे रहे। वाह वाह, का शायरी है, का शायरी है यो। अरे प्रभु, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें आई हैं, 4 सरकारें। हम समाजवादी लोग तो संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। अगर आप संविधान और न्यायपालिका को नहीं मानते तो बता दीजिए, कल्याण सिंह जी की सरकार बनी, 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे, रामप्रकाश गुप्ता जी रहे, उसके बाद राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। इसलिए जनता को असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए झूठ बोलने की आदत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को। सरकारें आपकी भी थी। आज देखिए, अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, मंदिर बन रहा है, सब उसको हमने कहा ना, जो पूजा हमारी आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धर्म और राजनीति दोनों एक साथ करना चाहती है। बंद किसने कराया? राजनीति का मतलब समझना पड़ेगा। मेरा ये वादा है आपको कि अगर दोपहर तक दुकान में सारी झूठ बिक रही है, शाम तक सच रह जा रहा है, तो वो सच मैं आपके मुंह से बुलवाऊंगी। आज सच पूरा देश जाने। व्यास परिवार को व्यास तहखाने में पूजा करने से किसकी सरकार ने रोका था, किसकी सरकार ने रोका था? आप जवाब, मैं अपनी बात कह लूं तब आप नहीं, आप पहले जवाब देंगे, आप नहीं उनसे पूछेंगे सवाल। सुन लीजिए, हर वक्त का जब उस समय आपको याद होगा, जिस समाज जो हमारा देश है, देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, और जिम्मेदारी हर राजनीतिक दल की होती है कि संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान और न्यायपालिका को मानती है क्या, ये मैं पूछना चाहता हूँ। हर चीज पे राजनीति अच्छी नहीं होती, आपको राजनीति करनी है तो स्वस्थ राजनीति करो ना। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, अनुराग जी अपने दर्शकों को बताते हैं, अनुराग जी को ना निबंध लेखन में बड़े अच्छे मार्क्स आते थे, इनको कोई टॉपिक आप दे दीजिए उसमें निबंध बड़ा अच्छा लिखते हैं, लेकिन अगर आपने प्रश्नोत्तर कर लिया कि प्रश्न है इसका जवाब दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा इनका स्कोर नहीं रहता था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही बदल देते थे, इस पर क्वेश्चन पेपर ही बदल देते थे। आऊंगी अनुराग जी, एक बार फिर मैं कोशिश करूंगी आपके पास आने की। बारिश जी, एक बहस देश में चल पड़ी है जिस पर मैं आपसे जवाब चाहती हूं, और वो बहस ये है कि जो अयोध्या में एक लंबी लड़ाई चली ना, 500 साल की चली, करते करते कोर्ट में हिंदू पक्ष ने बहुत धैर्य के साथ इंतजार किया, कोर्ट के पैसे के बाद ट्रस्ट ने आम लोगों के पैसे से वहां मंदिर बनाया। अब ये बहस है कि क्या काशी में खुद ही
ये ज्ञानवापी सौंप देना चाहिए हिंदू पक्ष को, क्योंकि सामने दिखता है ना, पता नहीं बारिश जी आप गए हैं नहीं गए हैं, सारे निशान दिखते हैं वहां पर, पश्चिमी दीवार तो पूरा मंदिर की दीवार है जो इस देखिए अंजना जी जी ऐसा अंजना जी, सबसे पहली बात तो यह है कल जो वाराणसी कोर्ट का फैसला है वो सरासर गलत फैसला था। हम अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने उसके खिलाफ अपील भी फाइल की, सुप्रीम कोर्ट गए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाइए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की हियरिंग होगी, उसके बाद ऑर्डर आएगा। ऐसा हम क्यों कहते हैं गलत फैसला था, क्योंकि आप खुद देखिए 17 जनवरी के दिन इन्हीं जजों ने, इसी जज जो जिनसे ऑर्डर दिया कल, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वहां पे अपॉइंटमेंट किया था एज अ रिसीवर, वहां पे कोई ऑर्डर पास नहीं किया था कि आप प्रेयर अलाउट करिए। अब अचानक जिस दिन उनका रिटायरमेंट जाने के दिन उन्होंने ये फैसला दे दिया जो पर से प्लेसिस ऑफ वर्शिप 1991 का सरासर उल्लंघन है। अब इन्होंने क्या बोला, जज साहब का रिटायरमेंट था जाते जाते आदेश दे दिया, ऐसा नहीं है सर। 29 तारीख को आपके वकील साहब ने कोर्ट में एडजमेंट लिया और बोला आज इस मामले की सुनवाई मत करिए, हमारी तबीयत खराब है। तब कोर्ट ने डेट लगाई 30 तारीख को, 30 तारीख को दोनों पक्षों को सुनने के बाद 31 तारीख को जजमेंट दिया है। तो ये आरोप सर आपका सरासर गलत है। दूसरी बात अंजना जी, मैं कहना चाहता हूं, जब कोर्ट ने आदेश पारित किया तो लीगल पोजिशन ये है कि इमीडिएटली वो ऑर्डर प्रभावी हो जाता है, और कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर कंप्लायंस करनी है। तो जैसे ही आदेश आ गया तुरंत हमने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मेल लिख दिया था, और मेल लिख के कहा था कि भाई इसकी कंप्लायंस की जाए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका संज्ञान लिया और ऑर्डर की कंप्लायंस की, इसमें कोई भी लीगल एक त्रुटि नहीं है। और ये तो दिख रहा है ना, अभी भी जो हम लोग दिखा रहे हैं व्यास तहखाना जिसमें ये पूजा हो रही है। वारिस जी आराम से, कोर्ट ने कहा है ना 7 दिन का टाइम दिया था, तो 7 दिन का टाइम कब शुरू होता है, कोर्ट के फैसले के बाद होता है। अब वो 2 दिन बात करें, 3 दिन बात करें, उसी घंटे कर दे, कभी भी कर सकते हैं। करने का तो टाइम देते हैं, जहां पर 30 साल से पूजा नहीं हुई है अंजना जी, 30 साल तक तो कुछ नहीं हुआ था। कई बार तो कई केसेस में लोग एक एक महीना बैठे रहते हैं, नहीं अपील फाइल करते हैं तो वेट करे रहेंगे। एएसआई का रिपोर्ट सीधा सामने कर दिया, ये कर दिया अंजना जी, अब इनके लिए तो सबसे पहले पूजा होती थी अंजना जी, जब हम सब खड़े होकर बोल देंगे तो सारी मस्जिद ले लो हमारी, सबको तोड़ दो। अरे ये ड्रामा मत कीजिए, बोलेंगे वारिस जी अब ड्रामा मोड में आ गया टाइम, वारिस जी का ऑडियो कम कीजिए, वारिस जी नहीं ये सब विक्टिम कार्ड मत कीजिए, ये सब ड्रामा वाला मोड में ले लीजिए, सब लीजिए, ये भी दे दूंगा, वैसे ड्रामा मोड क्यों करते हैं वारिस जी, क्यों करते हैं आप? ये विक्टिम कार्ड से कितना वोट मिल जाएगा, 10-20 वोट भी नहीं मिलेगा इन सब ड्रामा से, 10-20 वोट ही बेचारे को मिलता है। ले देके टोटल जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो भी गद्दार बोलती है, क्योंकि ये अपोजिशन का वोट काटता है, और वो भी अगर इस नौटंकी से कट जाएगा तो इस बेचारे को आखिर मिलेगा क्या? मिलेगा वही कुछ आतंकियों का जो एकदम कट्टर हैं, जो एकदम खून खराबे पे उतरे रहते हैं, जो हम हिंदुओं का, जो हम हिंदुस्तानियों का खून खराबा करना चाहते हैं। बस 1-2% वही वोट है जो ओवैसी को मिलता है, और उन्हीं को खुश करने के लिए ये लोग पूरे दिन बैठ कर न्यूज डिबेट्स में, टीवी डिबेट्स में, टीवी इंटरव्यूज में नौटंकी करते रहते हैं, में करते रहते हैं। बाकी आप लोग इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए डिबेट के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।